सोनी जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आदरणीय अजय भट्ट जी, प्रदेश महामंत्री राजेंद्र जी, खिलेंद्र जी, जिला अध्यक्ष प्रताप जी, हमारे उत्तराखंड सरकार के मंत्री और क्लस्टर के प्रभारी सौरभ भगुणा जी, प्रदीप बिष्ट जी, लोकसभा के प्रभारी बलवंत सिंह भौरियाल जी, विवेक सक्सेना जी, राकेश नैनवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय बलराज पासी जी, साकेत जी, चंदन बिष्ट जी, हमारे वरिष्ठ विधायक और अनेक अनेक दायित्वों का जिन्होंने निर्वहन किया है, आदरणीय बंशीधर भगत जी, नैनीताल की लोकप्रिय विधायक सरिता आर्य जी, राम सिंह खेड़ा जी, विधायक हमारे भीमताल डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी, विधायक लालकुआ, निवर्तमान मेयर जोगेंद्र पाल रोतेला जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बेला तोलिया जी, प्रकाश रावत जी, विकास भगत जी, गीता ठाकुर जी, आनंद धर्मवाल जी, समीर जी, शशांक रावत जी, दिनेश आर्या जी, भावना मेहरा जी एवं सभी यहाँ पर मंचासीन हमारे सभी पदाधिकारीगण और आज इस जनसभा में आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग माताएं बहने और हमारे नौजवान साथियों, हमारे मीडिया के बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सबकी तरफ से अपनी ओर से आज हमारे राज्य में इस लोकसभा में पहली सभा आरडी योगी जी की हो रही है। मैं आप सबकी तरफ से देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से हल्द्वानी यहाँ पधारने पर मैं आप सबकी तरफ से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा के सब स्वागत करिए। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि आरणी महाराज जी उत्तराखंड की माटी के ही लाल हैं और उत्तराखंड के लोग विशेषकर वैसे तो पूरे भारत में जहां भी जाते हैं उनको सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए हमेशा लोगों में उत्सुकता रहती है, लेकिन उत्तराखंड के लोगों का विशेष स्नेह उनसे रहता है। आज पूरा देश में आरणी महाराज जी द्वारा जो अभी आरणी भट्ट जी भी कह रहे थे, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर काम किए हैं, उन कामों की धमक आज पूरे भारत के अंदर सुनाई देती है। देश के हर राज्य में आज योगी जी की डिमांड होती है, हर जनसभा के लिए उनका ही नाम प्रमुखता से आता है। उनकी लोकप्रियता इतनी है कि देश का बच्चा बच्चा भी आज उनको बुलडोजर बाबा के नाम से जानने लगा है। भाइयों बहनों,